एक सिनेरियो इमेजिन कीजिए जहां आप कोई प्रोग्रामिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो और आप ग्रेट प्रोग्रामर हो, आपको कोई बीट नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन उसी कंपटीशन में जिसने हिस्सा लिया है वो एक व्यक्ति आपसे आकर अपना कोड दिखाता है आपको और कहता है कि अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो मुझे आप फाइन कर दीजिए। आप देखते हैं कि उसका कोड बहुत ही अच्छा है, वो आपसे आगे भी निकल सकता है, तो फिर आप क्या करोगे? आपके पास तीन ऑप्शन है। पहले तो आप ये सोचोगे कि नहीं, मैं क्यों इसकी हेल्प करूँ, ये मुझसे बेहतर हो सकता है आगे जाके। या फिर ये आप सोचते हैं कि चलो भाई, मैं इसे ऊपर ऊपर से देख लेता हूँ लेकिन उसे कह दूंगा कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। या फिर आप उसकी हेल्प करेंगे, उसका कोड अच्छी तरह से देखेंगे, अगर कोई मिस्टेक हुई तो आप उसे सजेशंस भी देंगे। इसी के बेस पर सचिन तेंदुलकर की लाइफ से हमें एक बहुत बड़ा लेसन सीखने को मिलता है। वी ऑल नो दैट सचिन तेंदुलकर इज अ सुपरस्टार ऑफ क्रिकेट। वो यंग क्रिकेटर्स को, नए प्लेयर्स को हमेशा एडवाइस देते रहते हैं, चाहे वो उनकी टीम में से हो या फिर ना। एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ इंटरव्यू के दौरान अमोल मजूमदार ने बताया कि वो मैच के दौरान कुछ एंग्जाइटी, फेलियर्स या फिर वरीज से डील कर रहे थे। अब इस बारे में सचिन तेंदुलकर को पता चल गया और वो उनके पास गए और शोल्डर पर हाथ रख के कहा, वॉट एवर इट इज यू हैव टू फाइट विथ इट। अगर सचिन तेंदुलकर की जगह हम होते तो हम ये सोचते कि भले ही वो स्ट्रगल कर रहा हो, हमें तो अच्छा है, उसका ध्यान क्रिकेट में कम रहेगा, मैच में कम रहेगा तो हम जीत जाएंगे। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने ऐसा नहीं किया, वो उनके पास गए और उनको सिंपैथी दी। इस तरह हमें भी दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, भले ही वो हमसे बेहतर हो या फिर हमसे आगे निकल जाए। बिकॉज हेल्पिंग अदर्स इज इट्स ओन रिवॉर्ड। कीप हेल्पिंग।